यानी आधा काम पूरा कर लिया है। बेंगलुरु बुल्स ने टॉस जीता है, हरियाणा स्टीलर्स की पहली रेड है। 20वें मुकाबले में प्लेऑफ में आज अपनी जगह बना सकते हैं, ये हरियाणा की जीत की कुंजी है। बिल्कुल, इस कुंजी का इस्तेमाल आज किस तरह से करते हैं। 3 सुपर 10 देखिए पिछले 5 मैचेस में, और ये पहली रेड में ही बाहर हो गए। 2 बार अजय को आउट किया, 1 बार अमित चौरान को, 1 बार सौरभ नांदल को। तो ये ओ, पवन की डुबकी नहीं चली, चेन टैकल हो गए। प्रेशर बनाया लेकिन लॉबी के नजदीक नहीं ले जा पाए। ऑल आउट, सिर्फ 2 डिफेंडर बाकी थे, बीच से रास्ता बनाया पवन शेरावत, जो अभी भी रेड में है। 6 रेड में 5 पॉइंट, 1 बार आउट हुए हैं। और वो सुनील ने राइट कॉर्नर की चेन, दूसरी बार पवन कामयाब, क्या शानदार जंप। विकास कंडोला आए हैं डू और डाई पर, चाहे डू और डाई हो चाहे सुपर टैकल हो, 75 से 80% के बीच। लेकिन यहाँ पर विकास कंडोला को कामयाबी नहीं मिली, महेंद्र ने बड़ा जबरदस्त टैकल कर दिया। डिफेंस संयम दिखा रहा है बुल्स, एक बार फिर से हरियाणा को ऑल आउट दे दिया। ये निराशा का दौर है, राकेश के लिए आत्ममंथन का दौर है। ये सोचने की जरूरत है कि इस टीम में कमी कहां पर है, क्योंकि अब प्लेऑफ्स नजदीक आ रहे हैं। आप क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए, बेंगलुरु बुल्स क्या आज क्वालिफाई करेंगे? अगर करते हैं तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली 5वीं टीम। पवन सहरावत तो चली रहे हैं, प्रशांत राय भी बीच बीच में अपनी चमक दिखा रहे हैं। टॉप 3 परफॉर्मेंस में से टॉप 2 तो पवन की है, 29-26। सुनील सेल्फ आउट हो गए, ये पॉइंट पवन को नहीं मिलेगा, ये 2 पॉइंट पवन को मिलेंगे। भाई साहब हो क्या रहा है ये संजय, ये हो क्या रहा है? महेंद्र सिंह अच्छा टैकल, पीके राय बाहर, 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स, 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। तीसरी कामयाबी है ये महेंद्र की, बोनस ले लिया हालांकि पीके राय ने, लेकिन अकेले कितना कुछ करेंगे प्रशांत कुमार राय। विकास कंडोला चल नहीं रहे, ऑल आउट हो गए। 3 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स, ऑल आउट हरियाणा स्टीलर्स। तैयार हो जाइए इनके 35वें रेड पॉइंट को देखने के लिए। 35 रेड पॉइंट, एक ही मैच में किसी भी रेडर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पवन के नाम, और जिनके नाम था प्रदीप उन्हीं के सामने रिकॉर्ड तोड़ा है। इस पवन की आंधी में आज हरियाणा का डिफेंस सूखे पत्ते की तरह उड़ गया है। पवन कह रहे होंगे इनको जाने दो भाई, मैं अपनी रेड में आउट करूंगा, 37वां पॉइंट भी लूंगा। विकास कंडोला नहीं चले, विकास कंडोला आउट, हरियाणा 4थी बार ऑल आउट। ये आखिरी रेड नहीं मिलेगी, पवन 40 के आंकड़े तक नहीं पहुंचेंगे। पवन ने आज वो कमाल कर दिया है जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं थी। 34 रेड पॉइंट प्रदीप के हमें एक पहाड़ लगता था, लेकिन उस पहाड़ के ऊपर पवन ने अपना झंडा फहरा दिया है। 39 रेड पॉइंट एक मैच में, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, सारे फैंस का प्यार मिलेगा, एक इतिहास लिख दिया आज पवन ने। और बुल्स सीजन 7 के प्लेऑफ में जाने वाली 5वीं टीम बन गई है।